नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। वह अपनी यात्रा के 92वें दिन गुरुवार को कोटा पहुंचे। कोचिंग संस्थानों की राजधानी कहे जाने वाले इस शहर में छात्रों ने उनकी यात्रा में जमकर हिस्सा लिया। इसी दौरान राहुल गांधी ने छात्रों को भारत का भविष्य कहकर संबोधित किया। यात्रा के दौरान सिटी मॉल के सामने जब हजारों कोचिंग के छात्र उनके स्वागत में खड़े थे तो राहुल गांधी वहां रुक गए और छात्रों से मिले। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यहां उन्होंने 24 किमी की पैदल यात्रा की। कोटा के जगापुरा स्थित सूर्यमुखी हनुमान मंदिर से सुबह 6 बजे से उनकी यात्रा शुरू हुई। 24 किमी की यात्रा का बाढ़ बढ़ाना गांव में वह शुक्रवार को एक दिन का विश्राम करेंगे। इसके बाद 10 दिसंबर को यह यात्रा फिर से शुरू होगी। इसी दौरान उन्होंने साथ सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी साथ रहे। मार्च को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर रास्ते पर बने घेरों की छतों पर दिखाई दिए। इतना ही नहीं, स्वागत में लोग कलाकारों के समूह हाथ में होर्डिंग बैनर और पोस्टर लिए जगह जगह खड़े दिखे। यूडीएच मंत्री और कोटा से विधायक शांति धारीवाल ने कहा, राहुल गांधी का जैसा स्वागत हुआ है ऐसा किसी अन्य नेता का कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी का बलिदान देखिए, आज आजादी के बाद से क्या किसी ने 3,700 किमी की यात्रा की है। You are the future of this country. We are all very proud of you. Love you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bharat.